क्लास LKG, हमारा इंग्लिश का पीरियड है और अब हम निकालेंगे अपनी स्कूल की नोटबुक। नोटबुक में हम आपको स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स A to Z हमने आपको कहा था बिना देखे लिखने के लिए, और हमने इस तरह से आपको 4 लेटर्स लिख के दिखाए थे और बाकी के लेटर्स हमने कहा था आप अपने आप बिना देखे A से लेके Z तक लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में हमने आपको राइट कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स A to Z लिखने के लिए दिया था, और आज हम करेंगे फिल द मिसिंग लेटर। मम्मी या डैडी की हेल्प से आप ये वर्क करेंगे, इस तरह से मम्मी या डैडी आपको लिख करके देंगे। क्वेश्चन रहेगा फिल द मिसिंग लेटर्स, ए फिर डैश है, सी डैश, और ये फिल द मिसिंग लेटर्स हैं जो ए से लेके जेड तक आपको पूरा लिखना है। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ए, ए के बाद बी, सी, फिर यहाँ लिखेंगे हम डी। आप लोग कंफ्यूज होते हो बी और डी में। जब भी हम बी और डी बनाएं तो हमें ये ध्यान देना है कि बी जो है वो ए से गुस्सा हो गया है, नाराज है वो, इसीलिए वो ए की तरफ नहीं देख रहा है। बी थोड़ा सा उधर मुंह कर लिया है, ये देखिए बी है ना, इसने ए की तरफ नहीं देख रहा, ये बी का मुंह उस तरफ हो गया, ये सी से दोस्ती करना चाह रहा है। और इसी तरह से ये डी है, अब डी क्या कर रहा है, डी तो सी का दोस्त है इसीलिए वो सी की तरफ पहले ही देख रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे हम, जब ए के बाद हम बी बनाएंगे तो बी ए से गुस्सा है इसीलिए इसने इधर मुंह किया हुआ है और ए ने उधर मुंह किया हुआ है अपना, है ना। इसके टू आईज हैं, जैसे ये इधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है। सी और डी जो है वो दोस्त हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी बी और डी में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको। आगे ई है, ई के बाद आएगा एफ, जी, आफ्टर जी एच, आई, जे। ध्यान देंगे जे ऊपर की रेड लाइन से नहीं बनेगा, नीचे से यहां से बनेगा जे, आई जे के एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। अब जेड तक हमने कर लिया, इसी तरह से आप अपनी कॉपी में फिल द मिसिंग लेटर्स अपने आप करेंगे, बस आपको मम्मी या डैडी इस तरह से लिख करके देंगे। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस तरह से आर बनाना नहीं आता है तो आप ऐसे आर भी लिख सकते हो, इस तरह से जो भी आर आपको आता है, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, आप दोनों तरह से जो आर आपको आता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। कल फिर नए रिवीजन के साथ मिलेंगे। बाय बच्चों।